19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है और वो सारा का सारा केवल यूपी में लगाए, यानी कि उन्हें केंद्र सरकार ने जवाब ये दिया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। मतलब 19,000 करोड़ रुपए मेट्रो एक्सपेंशन नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो है जेवर अपना इधर ये दादरी उस तरफ की यूपी वाली दादरी, चारों तरफ मेट्रो ग्रेट, और यहाँ 9 साल से 1 इंच भी मेट्रो का प्रस्ताव नहीं भेजा। हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा प्रदेश के विकास को लेकर उनकी इतनी जो है इतनी कम रुचि क्यों है। दूसरा, मेट्रो के साथ जुड़ा हुआ एक था RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, 4 RRTS एक साथ मंजूर हुए थे, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से वाया रोहतक हिसार, क्योंकि हिसार NCR काउंटर मैग्नेट टाउन था। लगभग 26-27 हज़ार करोड़ की लागत से दिल्ली से मेरठ काम पूरा हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, ट्रायल रन चल रहा है दिल्ली से मेरठ, वो मेट्रो ही है RRTS जो मेट्रो को आगे कनेक्टिविटी करती है, वो आगे शहर से बाहर और स्पीड तेज स्पीड से बहुत दौड़ती है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आप देखने जाओ, जबकि मेरठ दिल्ली से ज़्यादा दूर है, रोहतक दौर नज़दीक है, यहाँ नहीं थी। प्रश्न ये बनता है 9 साल के बाद कि वो आज तक वो मेट्रो खा गई, और मैं सवाल ये बनता है कि हमारा तो पैसा लग रहा था ये मेट्रो में, तो हमारे सरकार थी तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी 1,000 करोड़ की मेट्रो की, 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 4 थर्मल के कारखाने लगे उस समय, परमाणु का कारखाना हरियाणा के अंदर, ये विश्वविद्यालय बने, इनके समय कुछ काम हुआ नहीं, मगर कर्जा हो गया 3 लाख करोड़। ये प्रश्न उठता, तो मेट्रो का आपने जो सवाल पूछा कि भाई बड़े दुख की बात है, ये 2 प्रश्न लगे थे, मैं प्रश्नों का आपको जानकारी बता दूँ, एक मैंने लगाया था और एक जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया था, दोनों का आप उत्तर देख लो। 1 इंच मेट्रो नहीं 9 साल में, और 3-4 साल में केंद्र सरकार ने 19,000 करोड़ दिया है, और वो 19,000 करोड़ केवल यूपी में मेट्रो एक्सपेंशन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे। लेकिन भाजपा के सांसद तो दावा कर रहे थे कि सेकंड टर्म के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नहीं, वो मेट्रो तो छोड़ो, आप मैम की रेल देखो, आप रोहतक मैम फांसी रेल की लाइन, जिसका फाउंडेशन स्टोन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खाड़गे जी ने रखा 2013 में हासी में फाउंडेशन स्टोन, और रोहतक के रेलवे बाईपास का फाउंडेशन भी उन्होंने रखा। अगर खड़गे जी आएंगे तो उनको वो जब देखेंगे कि रोहतक में बाईपास का क्या हुआ, जिसका फाउंडेशन स्टोन वो रख के गए थे 2013 में, उनको देख के एक बार तो समझ में नहीं आएगी कि भाई ये मैं रख के तो गया था, इन्होंने कराया तो था कि देश का पहला रेलवे बाईपास था कि अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सड़क डेवलपमेंट हो, जो है एक मॉल रोड के रूप में आपको याद होगा कि हमारी वो था प्रोजेक्ट। तो मगर आपने देखा कि भाई वो ना तो भाई वो हुआ, जब रेल की लाइन ही नहीं बिछी मेट्रो की तो दूर की बात है। आज तक मैम की रेल की लाइन, आप मैं पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारे समय में विदिन 4 साल रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन बनकर तैयार हो गई थी कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। फाउंडेशन भी रखा लालू प्रसाद जी ने और उसका इनॉग्रेशन भी किया। हमारे समय जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन तैयार हो गई थी, और रोहतक महम हासी इस रेल की लाइन का काम शुरू हो गया था। वो जो काम शुरू हो गया था 25% काम पूरा शुरू हो गया था, वही पूरा नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन की बात 9 साल में कर रहे हैं, किस रफ्तार से विकास दौड़ रहा है आप याद, आप हम रेल की लाइन की कितने किलोमीटर बिछे वो बता दो, मेट्रो की लाइन कितने किलोमीटर भी बिछी वो बताओ, आप रफ्तार किस तेज से दौड़ रहा है तो आपके सामने। भ्रष्टाचार दादा गौतम क्या कह रहे हैं, दादा गौतम कह रहे हैं खोपर एकलाई जीमन लग रहा है, वो क्या जीम रहा है। लेकिन उनकी तो सर 1 करोड़ क्या नहीं क्या वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न चिन्ह है, वो खोपर एकला तो जीम रहा है, लेकिन वो खोपर एकला क्या जीम रहा है, वो ये जो है ये अपना जो विकास का पैसा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, खुली लूट है।